अष्टावक्र महागीता। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। राजा जनक ने जाना कि जो उनके भीतर उन्हें चला रहा है, उनके शरीर को संचालित कर रहा है, वही शक्ति समस्त विश्व को चला रही है। अनंत अनंत सूर्य का प्रकाश, उनकी ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, वो वही है। मतलब जो है वो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। जनक कहते हैं, अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। देखिए, यहाँ शरीर और विश्व को त्यागने का अर्थ ये नहीं कि परम तत्व को जानने के बाद शरीर को छोड़ देना है। केवल इतना ज्ञात हो जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसे ही जान लेना पर्याप्त है। ऐसा अनुभव होते ही शरीर और समाज से त्याग घट जाता है। फिर तुम समाज में रहते हुए भी सामाजिक नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं, तुम मुक्त हो। जिस प्रकार पानी, लहर, बुलबुले ये सब अलग नहीं, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार गहरे विचार करने पर कोई भी वस्त्र केवल धागा मालूम पड़ता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञान वश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है, आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी अज्ञान वश सर्प जैसी दिखाई देती है, और रस्सी का ज्ञान हो जाने पर वह सर्प नहीं दिखाई देती। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही इस मैं भाव को भी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्म तक का विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है, आश्चर्य, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ शरीर वाला होते हुए भी, जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है, और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य, मुझको नमन है। जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए, जिसने इस विश्व को अनादि काल तक धारण किया हुआ है, आश्चर्य, मुझको नमन है। जिसका यह कुछ भी नहीं अथवा जो वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है वह निष्कलंक मैं ही हूं। सभी दुखों का मूल कारण है इसकी, इसके अतिरिक्त कोई औषधि नहीं। कि यह सब जो दिखाई देता है वह सब असत्य है। मैं ही एक चैतन्य और निर्मल हूं।